महिला प्रधान को दबंग कर रहे हैं परेशान। मुरादाबाद भगतपुर ब्लॉक के गांव जैतपुर की दिव्यांग दलित महिला ग्राम प्रधान को गांव के ही कुछ तथाकथित नेता बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। महिला ग्राम प्रधान सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने गांव का विकास करा रही है, लेकिन गांव के ही कुछ लोगों को गांव में होता विकास कार्य अच्छा नहीं लग रहा है। महिला ग्राम प्रधान ने बताया कि हमने जिला प्रशासन से अनुमति लेने के बाद ही गांव में पूर्व में बने जड़जर पंचायत भवन को तोड़वाकर उसकी जगह नए पंचायत भवन का निर्माण जैतपुर गाँव में करा रही हूँ, लेकिन ये बात गाँव के कुछ तथाकथित नेताओं को इसलिए अच्छी नहीं लगी कि मैंने इन लोगों की मर्जी से इनकी बताई जमीन पर पंचायत भवन का निर्माण न कराकर ग्राम पंचायत सदस्य और गांव के लोगों की मर्जी से उनके बताए स्थान पर पंचायत भवन का निर्माण कार्य कराना शुरू कर दिया था। इस बात से नाराज होकर इन नेताओं ने मेरे खिलाफ मुरादाबाद मुख्य विकास अधिकारी से शिकायत की थी कि ग्राम प्रधान अपनी मर्जी से गलत स्थान पर पंचायत भवन का निर्माण करा रही है, जिससे इस पंचायत भवन का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिलेगा। इस पर आज जिला प्रशासन की ओर से सहायक मुख्य विकास अधिकारी के साथ एक टीम गांव में जांच करने आई थी। हमने जांच टीम का पूरा सहयोग करते हुए पंचायत भवन निर्माण से जुड़े सभी अभिलेख मुख्य सहायक विकास अधिकारी को उपलब्ध करा दिए हैं। मुख्य सहायक विकास अधिकारी का कहना है कि सोमवार को मैंने गांव में पहुंचकर पंचायत भवन से जुड़ी शिकायत की जांच की है, जिसमें शिकायतकर्ता और ग्राम प्रधान दोनों की बात सुनी है। इसमें आगे जाँच पूरी होने पर ही साफ हो सकेगा कौन सही है और कौन गलत। क्या निर्माण कार्य चल रहा है आपके द्वारा? मेरे द्वारा जो शासन द्वारा सब निर्माण चल रहा है, ईमानदारी से निर्माण चल रही है। जैसे आपके गांव में स्कूल बन रहा है, कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? वो पंचायत घर का मामला है, वो जो है वो जर्जर था पंचायत भवन, उसमें बच्चे जाते थे तो बहुत डर लगता था इसमें बच्चे पंचायत भवन न गिर जाए, तो उसी उस पर मैंने जो है करा था, उसी के शासन आदेश पर होता है। अच्छा, लोगों का आरोप है कि आपने अपनी मर्जी तुलवा दिया, तो क्या क्या प्रस्ताव वगैरह सब पास हुआ था? हाँ, प्रस्ताव सब पास हुआ था। तो ये मामला क्या है? वो इसलिए कर रहे हैं कि वो जो कुलदीप सिंह हैं, उनके खेत में मैंने 2 बीघा डेरिया नपा दी है, उन्होंने 150 पेड़ ग्राम सभा के काट के बेच दिए हैं, उनके खिलाफ 1-2 दिन में FIR होने वाली है, इसलिए वो मुझे परेशान कर रहे हैं। अच्छा, आपने विकास कार्य के लिए बहुत ईमानदारी से विकास करूँगी और इनके साथ मिलकर रहूँगी। मैं तो बहुत कम पैसों की प्रधान हूँ, 2000 में प्रधान बनी, ना ही मैं कोई निष्पत्ति की प्रधान हूँ जो अपना पैसा सामना करूँगी, मैं तो इन्हीं के बीच रहूँगी, इन्हीं का काम करूँगी। क्या कुछ लोग, जिस तरह आप दिव्यांग हैं और एक दलित समाज से आदमी हैं, क्या ये भी वजह रह रही है कि जो लोग जो तथाकथित नेता आपको परेशान कर रहे हैं? वो भी इसलिए परेशान करते हैं कि मैं विकलांग हूँ और फिर दलित हूँ, इस वजह से वो परेशान करते हैं। आप माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या अपील करेंगी कि जिससे कि आपको लोग जो परेशान कर रहे हैं वो परेशान ना करें? मैं मुख्यमंत्री जी से एक ही अपील करूंगी कि मैं एक तो विकलांग हूँ, फिर महिला हूँ, फिर दलित हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा ही दबाया जा रहा है, वो परेशानी मुझे सही तरीके से नहीं करने दे रहे हैं वो तमंग लोग। ये दो पार्टों को यहाँ बनवाऊंगी मैं, बच्चे जैसे उधर नहीं जा पाते हैं। हाँ, हाईवे है ना उधर, तो हाईवे की वजह से जो है यहाँ स्कूल बनवाऊंगी, क्योंकि 2-3 लोग पड़े हुए हैं इस गांव में ना, बाकी तो सब सब आपके सामने। क्या पहल रहेगी आपको स्कूल को लेकर? स्कूल खुले करके यही पहल रहेगी, सब अपने अपने भविष्य सुधार लेंगे, पढ़ लिख के अपना कुछ ना कुछ कर लेंगे। स्कूल के काम के लिए कहाँ तक आप अभी तक कोशिश की आपने? स्कूल काम के लिए मैंने प्रस्ताव पढ़ दिया है, प्रस्ताव होकर मंजूर भी हो गया है, वो और बनने वाला है। क्या भरोसा दिलाओगी गांव की जनता को कितने समय में स्कूल बन जाएगा? लगभग 6 महीने स्कूल बनवाने में।